अगली रेसिपी स्वीट डिश है मेवा बाटी विद आइसक्रीम एंड चोको चिप्स। हमारी तैयारी भी हो चुकी है, मुझे फिर से एक बार नाम बताएंगे अपनी रेसिपी का? हाँ, अब ये रेसिपी है स्वीट डिश और इसका नाम है मेवा बाटी विद आइसक्रीम एंड चोको चिप्स। ओके, सामग्री बताएंगे मुझे क्या क्या है? ये शक्कर की चाशनी है, वनीला आइसक्रीम है, उसके बाद खोया है, मैदा है, ये इलायची पाउडर है बराबर, और पिस्ता है, किशमिश है, बादाम है और काजू है, चॉकलेट बार है। ओके, और ये क्या किया आपने? ये एक्चुअली जो है ये ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता और इलायची पाउडर, उन सबको पीस लिया है हमने मिक्सर। मतलब मुझे एक बात बताइए, आपने इसमें काजू भी डाला है? हाँ, ये काजू भी आपने इसमें डाल दिया है? हाँ। कमाल है। ओके, और ये क्या है? ये खोया और मैदा, इनको मिक्स करके हमने डो तैयार किया है। ओके, चलिए सामग्री देख ली है, अब हम चलते हैं विधि की तरफ। हमने यहाँ तेल गरम करने के लिए रखा है और तेल लगभग गरम हो चुका है, अब क्या करना है आगे बताइए। अब ये जो डो किया है इसके हम ओके, अब इसे तेल में डाल दूं? डालिए। ओके, ये तेल ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। फर्स्ट क्लास, ऐसे अच्छे से हमने तल लिया है, अब क्या करेंगे? हाँ, अब हमें इसे चाशनी में डालना है। तो इसका क्या करेंगे? आप जरा वो क्रीम, मतलब जो वनीला रखा है वो जरा इसमें आप डाल दीजिए। अच्छा, इसमें करीब 2 से 3 चम्मच। हाँ, ओके। अब ये जो चाशनी में है उसे वैसे लगभग 10 से 15 मिनट रखना जरूरी है, लेकिन अभी ये चाशनी में जो थोड़े से डूबे हैं तो वो लेकर हमें इसमें ये डालना आप है। 10-15 मिनट तक रखिए, आप 2 मिनट में मत निकालिए, थोड़ा और डालिए क्रीम। ओके, हाँ बस 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 बस। अरे कितना प्रशांत, कितना आइसक्रीम डाल रहे हो, अरे फिर वेस्ट नहीं जाएगा, उससे अच्छा मेरे पेट में जाना चाहिए। क्या कि प्रशांत अपने आप से बात कर रहा है। ओके, अब क्या करना अब है? ये हमें इसके ऊपर ओके, फर्स्ट क्लास। अब ये हमें डीप फ्रीजर में रखना है 10 मिनट तक। ऐसा है क्या? और फिर उसके बाद थोड़ा वो सेट हो जाएगा बराबर, और फिर वो मुझे लगा शुरू करना है। डीप फ्रीजर में जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, इसे रख रहा हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप लिख लीजिए सामग्री और विधि। मेवा बाटी विद वनीला आइसक्रीम एंड चोको चिप्स बनाने के लिए लगने वाली सामग्री: शक्कर की चाशनी, फेटा हुआ वनीला आइसक्रीम, खोया और मैदे का मिश्रण, इलायची पाउडर, पिस्ता, किशमिश, बादाम, काजू, चॉकलेट बार और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट। विधि: पहले खोया और मैदा मिलाकर उसका मिश्रण तैयार कर लें। खोया और मैदे के मिश्रण की पूरी तैयार करके उसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट भरें और बाटी तैयार करें। ये बाटियां घी में अच्छे से तल लें और शक्कर की चाशनी में 10 से 15 मिनट तक डुबाएं। सर्विंग ग्लास में फेटी हुई आइसक्रीम डालें, फिर उसमें बाटियां डालें, ऊपर से चॉकलेट का चूरा डालकर फ्रिज में सेट करके डेजर्ट सर्व करें।